फिरोजाबाद शहर के कश्मीरी गेट बरी का नगला रोड पर एक मजदूरों से भरे ट्रैक्टर के उल्टी साइड में होने के दौरान आगरा की तरफ से आते डीएसएम को टक्कर हो गई है, जिसमें डीएसएम परिचालक सहित दर्जनों मजदूर घायल बताए गए हैं, जिनमें कुछ एक को जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर तो कुछ को प्राइवेट ट्रामा सेंटर लाए गए। मौके पर थाना पुलिस भी पहुंच गई। बताते चलें कि शहर के कश्मीरी गेट बर्री का नगला रोड पर सुबह मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर उल्टी साइड से कारखाने के लिए निकल रहा था, तभी आगरा की तरफ से आती डीसीएम से टक्कर हो गई। मौके पर थाना पुलिस पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मजदूर मोहम्मद जमील के मुताबिक ट्रैक्टर में करीब 50 मजदूर सवार थे, जिनमें 30 चोटिल हैं। वहीं डीसीएम परिचायक भी घायल हुआ है। घायलों में कुछ एक सरकारी ट्रामा तो कुछ प्राइवेट ट्रामा सेंटर लाए गए थे। घायलों में डीसीएम परिचालक करहल निवासी 29 वर्षीय फरीद पुत्र रसीद, थाना राम क्षेत्र गढ़ उर्दूनगर निवासी 18 वर्षीय इरफान पुत्र सुलेमान व अन्य मजदूरों में चिश्ती नगर गली नंबर 35 निवासी अशरफ पुत्र जमीर, कोहिनूर रोड नूर नगर निवासी रियासत पुत्र अलाउद्दीन, छपरिया निवासी जुनैद पुत्र नसीफ, कश्मीरी गेट निवासी रईस पुत्र रसीद, कश्मीरी गेट निवासी अरसद पुत्र इरशाद, कश्मीरी गेट गली नंबर 14 निवासी अलीशान पुत्र कल्लू, करीमगंज निवासी मोहम्मद आसिफ पुत्र कदीर, थाना रामगढ़ क्षेत्र शीतलखा निवासी नौशेद पुत्र मुन्ने खा सहित अन्य कई मजदूर घायल हुए हैं। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।